उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो आपके क्लास 10th और 11th में है। आईसीएसई बोर्ड में ये 7th, 8th और 9th में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा ये वीडियो। यहाँ मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जिसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं सारी चीजें। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन है वह 3 pair ऑफ सेलिब्री ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, 1 pair जो है वो टंग के नीचे, दैट इज कॉल्ड सब लिंगुअल ग्लैंड, एंड कान के जस्ट पास मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दे आर द 3 pair ऑफ सेलिब्री ग्लैंड दैट कलेक्टिवली प्रोड्यूसेस सलाइवा एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। फिर ये नेक्स्ट जो पाइप का पार्ट है जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऐसोफेगस, एक कॉमन पैसेज जहां से विंड पाइप, जो ये आप देख रहे हैं ऊपर से, इट इज अ विंड पाइप जो ऊपर से आ रहा है, और इसके यहीं पे जो कॉमन पैसेज है, यहीं पे आप एपिग्लोटिस के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो दिस इज अ फेरिंग्स विच इज ऑल्सो नोन एज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, एंड देन व्हेन वन वंस वी मूव्स डाउन, तो ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, दिस इज अ डायफ्राम जो हमारे बॉडी को 2 भागों में सेपरेट करता है। इसके ऊपर के पार्ट को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, और इसके नीचे के पार्ट को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, राइट। अब अगर हम इस लाइनिंग को देखें, इस लेयर को देखें जिसे हम डायफ्राम कह रहे हैं, इसी के जस्ट नीचे आपको स्टमक मिलेगा, दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्टमक। इस स्टमक के 3 parts हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरी। आपको यहां याद रखना है जो फंडस है वो बल्ज पार्ट है, जो बाहर की तरफ फूला हुआ पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर, दैट इज कॉल्ड फंडिक रीजन भी पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद खाना जहां आ रहा है फूड पाइप से नीचे की तरफ, जहां पे खाना सबसे पहले एंटर करता है स्टमक के, उसको हम कार्डियक रीजन कहते हैं। जबकि जो फूड डाइजेस्ट होके प्रोटीन या फूड का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है, जो काइम है, सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो दैट रीजन इज कॉल्ड पाइलोरिक रीजन। ये यहां ध्यान रखना है, ये तीनों रीजन के बारे में क्लास 11th के लिए ये टॉपिक जो रिवॉर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, which is I again repeating that fundic region या fundus, cardiac region और pyloric region, they are the 3 reasons of stomach। खाना यहाँ आया, उसके बाद जो food molecule है वो फिर gradually move करेगा, it is liver which is called as a largest gland of the human body। इसमें 2 lobes होते हैं, एक ऊपर छोटा होता है, नीचे की तरफ बड़े lobes होते हैं। This is where the gallbladder जो जिसमें वो bile juice store होता है, and this is a leaf like structure which is attached to the duodenum part which is called pancreas। pancreas is called as a indo exocrine gland या mixed gland, या कुछ बुक में आप लोगों को double gland के नाम से भी मिलेगा। double gland का मतलब हो गया these are the gland that secretes both hormones and enzymes, right। इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे, अभी पूरे explain भी करेंगे हम इसको, इसलिए परेशान है, आज हम सिर्फ एक structure की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ holozoic mode of nutrition को explain कर रहे हैं। Then what happened? This is the structure. This is called small intestine. Small intestine को याद रखने का आप तरीका है, इसके भी 3 parts हैं। तो मैंने जो ट्रिक बताया था आप लोगों को पहले भी, डॉक्टर जी, DJI, D for doctor और D for you can write duodenum, J for jejunum and I for ileum. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 parts हैं, डुओडेनम, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डुओडेनम जो है वो जस्ट स्टमक से लगा हुआ पार्ट है, डॉक्टर जी को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये ऑर्डर में है, डुओडेनम, जेजुनम, आप यहां देखेंगे जेजुनम एंड देन इलियम, राइट। अब ये जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन जो आप देख रहे हैं वो ये है ना, ये अंदर, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड द लार्ज इंटेस्टाइन जो आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ है, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है वो ज्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है वो कम होता है, पतला होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में मैंने बताया ट्रांसवर्स कोलोन, जो ऊपर का पार्ट है आप देख रहे हैं थिक होता है, सबसे ज्यादा लेयर होती है, ये असेंडिंग कोलोन है, इधर डिसेंडिंग कोलोन है। डिसेंडिंग कोलोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्टली इसी डिसेंडिंग कोलोन से होता हुआ, ये फिर रेक्टम से होता हुआ एनस से बाहर होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन के ये दो पास और भी हैं, सेकम एंड वर्मिक्युलर या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो नॉन फंक्शनल है, इसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से भी पढ़ते हैं। आपके टेंथ के बुक में आपको मिलेगा इवोल्यूशन वाले चैप्टर में, एंड इलेवेंथ में भी है, ट्वेल्थ में भी है इवोल्यूशन के टॉपिक में। वेस्टिजियल ऑर्गन इसीलिए कहते हैं बिकॉज दिस इज नॉन फंक्शनल इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसा माना जाता है कि ये वो ऑर्गन है जो प्रीडोमिनेंटली अभी भी अवेलेबल है हर्बीवोर्स में, क्योंकि वहां पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। अब बात आती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। होलोजोइक का मतलब हो गया व्हेन यू आर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। भाई हम अपना खाना नहीं खुद बनाते, ये एक टाइप है जो भी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, भी प्रीवियस टॉपिक में देखा। इट इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का मतलब हो गया ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एनिमल्स जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अब होलोजोइक में जो सिंपलेस्ट है वो है यूनिसेलुलर, जो अमीबा में है, और मल्टीसेलुलर में हम में भी है और भी ऑर्गेनिज्म में है। क्योंकि आपके सिलेबस में ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस करना है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए मैंने यहां मेंशन किया। होलोजोइक जो है वो ये इनके पांच स्टेप है। व्हेन यू आर टेकिंग फूड इट विल गो थ्रू द फाइव स्टेप। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, जब आप खाना खाते हैं थाली से उठाते हैं और खाने को माउथ तक लेते हैं, इट इज द इनटेक ऑफ फूड विच इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब हो गया व्हेन द फूड गेट्स डाइजेस्टेड, जब उसका ब्रेक डाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो डिवाइड होगा, ब्रेक होगा, दैट इज व्हाट द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर उस डाइजेस्टेड फूड का, उस ब्रेक डाउन जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। वो हमारा जो सेल है, जो हमारा माइक्रोविलाई है, वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और फिर आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट एसिमिलेट, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ that will be convert into energy, that will be convert into ATP. It means there is a utilization of absorbed food which is called assimilation. And the last is egestion. Egestion का मतलब हो गया removal of undigested food. यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चीजें बड़ी confuse करती हैं बच्चों को। Egestion और excretion दोनों अलग-अलग word हैं। Excretion में toxic substance body से बाहर हो रहा है, जहाँ kidney का role है। Egestion में large intestine का role है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो जिस खाने का डाइजेशन नहीं हुआ, उनका रिमूवल है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहां मैंने आपको बताया, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अपनी नोटबुक में कॉपी करने के लिए, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डायग्राम बनाना, ठीक है। फिर हम आगे इसके बारे में फिर फर्दर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन की हाउ द फूड विल बी डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स।